सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बसर एस। और मैं बता दूं, आज की बसर एस मेरा लोगो है। वैसे मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आप देख ही सकते हैं, हरी दर्शन विद बलजीत। सो आज मैं दिल्ली की दरगाह, आपको पता ही होगा, हजरत निजामुद्दीन, जो कि बहुत ही फेमस दरगाह है, ये बहुत ही मानी जानी दरगाह है, बिल्कुल निजामुद्दीन स्टेशन के पास ही है एकदम। जब आप आएंगे तो यहाँ से, अभी हम अंदर आ गए हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ से आप दरगाह शुरू हो गई है यहाँ से। और ये पहली दरगाह है, मेन दरगाह है, दो दरगाह है यहाँ पे। जब आप आएंगे, एक मेन दरगाह है, उसी के सामने छोटी सी दरगाह है। तो मैं सुबह 7-8 बजे आया था, बहुत अच्छा खासा भीड़ थी अंदर। अभी मैं अंदर लेके चलूँगा आपको, यहाँ से पहले मैं आपको बाहर से दिखा दूँ। और हजरत निजामुद्दीन के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश में 1238 ईस्वी में हुआ था। एक बार हजरत निजामुद्दीन दिल्ली यात्रा के लिए चिश्मी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए वहीं से बस गए थे। और ये देखिए, यहाँ से अंदर अभी हमें आ गए हैं, यहाँ से सब अपनी दुआएं मांगते हुए। और जब भी आप आए तो कोशिश करें दोनों दरगाहों में चादर चढ़ाने की। बहुत अच्छी दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है। यहाँ पे आप अब धागा बांध के अपनी मन्नत भी पूरी कर सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे धागा बांधा जाता है बाहर। और लेडीज़ों का तो आपको पता ही है कि यहाँ दरगाहों में अलाउ नहीं होता, लेकिन दरगाह के बाहर बैठ के वो बाहर से इसको देख सकती हैं। सो ये हमेशा लोगों को संदेश दिया करते थे निजामुद्दीन, कि लोगों के जाति या धर्म से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। यानी कि हजरत निजामुद्दीन प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया करते थे। बहुत अच्छी बात है, जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा बहुत अच्छा लगा। और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी के दौरान हो गई थी। ये देखिए, अभी हम दूसरी दरगाह में आ गया हूँ। ये देखिए, छोटी दरगाह है, ये मेन दरगाह थी पहले। ये बाहर का सीन है, यहाँ से देख सकते हैं आप, अभी मैं अंदर जाऊँगा, ये देख सकते हैं। ये अभी मैं अंदर आ गया हूँ, ये सब देखिए दुआ करते हुए एकदम। मैं साइड में खड़े होकर वीडियो बना रहा था बहुत अपने अपने। और ये अभी मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ से। सो बहुत फेमस दरगाह, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और इस दरगाह का जो टाइमिंग है, सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक का है। और अगर आप इस दरगाह के आसपास घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, मिलेनियम पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क और पुराना किला घूम सकते हैं आप आराम से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया है और बहुत साफ सुथरा एरिया आसपास का। ये देखिए, यहाँ से अभी मैं चारों ओर दरगाह के घूमते हुए, ये है मेन दरगाह, इसी के सामने अभी जो मैंने दिखाई थी वो है छोटी दरगाह, बहुत ही फेमस दरगाह है। सो गाइस, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पूरा एक दरगाह को कवर करने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अभी आपको और भी बहुत से आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगा, बहुत अच्छे टेम्पलों में जाऊंगा मैं अभी आगे तो मैं दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, फिर मिलूंगा एक नई जर्नी के साथ, नई वीडियो के साथ। गुड बाय।